बच्चों, आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन प्रकार के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये बातें आप समझ सके इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो करीब 6 डिफिनेशन आपको बतानी है उसको, इसमें से आज इस फर्स्ट लेक्चर में आपको 3 डिफिनेशन बताने चल रहा हूँ। तो सम इम्पोर्टेंट टर्म, पहला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ये क्या है? ये अप्लाइड फील्ड की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइजेशन करेगा। कोई मटेरियल मैग्नेटाइज तभी होगा जब उस पर हम फील्ड अप्लाई करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। जैसे आपको फिजिक्स सीखना है तो एक मात्र तरीका है फिजिक्स सीखने का कि फिजिक्स की फील्ड में रहिए। वो किताबों के साथ हो सकता है, किसी अच्छे टीचर के साथ हो सकता है, किसी अच्छे आपके दोस्त के साथ हो सकता है जिसकी फिजिक्स सिखा जाती है। जिस भी चीज को सीखना है उस फील्ड में रहना पड़ेगा। ये हर विधा में लागू होता है, फिजिक्स पर भी, संगीत पर भी, खेल पर भी और दुष्टता पर भी। दुष्टता सीखनी है तो बढ़िया दुष्ट ढूंढ, उसी सब को दिन रखो जो जो दुष्टता सिखाएगा कि सोचोगे तुम भी कि तुमसे गुरु तो हम ही है। बहरहाल फील्ड की प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहा था मैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, तो फील्ड के लिए हमारे पास सोलेनोइड है, इसका करंट फ्लो कराता है, जिसमें फील्ड स्टेब्लिश होती है और इसके कोर में यूनिफॉर्म फील्ड स्टेब्लिश होती है। यहाँ जो भी मटेरियल रखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और उस बातें से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो जितना तगड़ी यहाँ करंट होगी उतना तगड़ा मैग्नेटाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्पियर टर्म। एम्पियर टर्म क्या होता है? एम्पियर टर्म को हम कैपिटल एन आई सिखाते हैं। द नंबर ऑफ एम्पियर टर्म फ्लोइंग इन अ यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज कॉल्ड, इज प्रोड्यूस अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। कोई गिवन मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस करने के लिए इतना पर यूनिट लेंथ पे करंट फ्लो कराना पड़ता है, उसी को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। एस इज इक्वल टू स्मॉल एन आई, जहां स्मॉल एन क्या है होता है कैपिटल एन आई एम्पियर टर्म पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा। जहां बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई है तो हम स्मॉल एन आई को हम बी जीरो बाई म्यू जीरो टर्म में भी कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर। एम्पियर नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गया, कोई यूनिट नहीं होती, और अपॉन लेंथ एम्पियर मीटर, ये हो गया। एक और बड़ी पॉपुलर यूनिट है ओरस्टेड, पूछा था एग्जाम में ओरस्टेड का यूनिट है, तो ओरस्टेड का यूनिट है, ओरस्टेड आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की यूनिट है। एक गॉस फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम में इतना एम्पियर टर्म पर यूनिट लेंथ फ्लो कराना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वन ओरस्टेड, और इसकी वैल्यू 80 एम्पियर मीटर के बराबर आती है। तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी है जो अप्लाई करके मैग्नेटाइजेशन करने वाला। इसका मैंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी जो मैग्नेटाइज होने वाला है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल व्हेन केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, दैट इज एम बाई वी। अगर यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसका लेंथ एल है, 2L है, कंस्ट्रक्शन एरिया स्मॉल ए है, और इसमें जो पोल स्ट्रेंथ डेवलप हो गया वो स्मॉल एम हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू 2L हो जाएगा, वॉल्यूम ए इंटू 2L हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये पोल स्ट्रेंथ अपॉन कंस्ट्रक्शन एरिया के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। एम की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही आएगी। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों की यूनिट ही एम्पियर पर मीटर ही है। इसके अलावा एक और टॉपिक बता दूं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वैसा ही है जैसे आपको गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली, दैट इज फ्लक्स। और गिवन लगा करके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, यहाँ पर यूनिट एरिया नहीं है, गिवन एरिया परपेंडिकुलरली वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ऐसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।
phi that is equal to b dot s वेक्टर में है bs cos थीटा, याद कीजिए जरा, cos वाला याद आ रहा होगा आपको, और इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ध्यान में आ गया होगा। जहाँ जिसको जो दिक्कत आएगी, हमने अपनी मेहनत कर दी, आप अपने कमेंट्स के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझ करके आप मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे तीन तरह के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इनकी प्रॉपर्टीज हमारे मोरू वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो हम आप पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा फिजिक्स के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में समझते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, तब बात ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। व्यवहारिक तो समझ में आती है, डायमैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड का पोजिशन मैग्नेटाइज होता है हल्का सा, डिबली मैग्नेटाइज, पैरामैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिबली मैग्नेटाइज होता है, और फेरोमैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है। लेकिन ये केवल मैग्नेटाइज होता है, कारण काम नहीं चलेगा, इन पैरामीटर्स पर, ये जो पैरामीटर्स पर है, इसके आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैसे समझा जाएगा, ये हमको यहाँ स्पेशली जानना है। तो आइए, हमने तीन के बारे में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एम्पीयर टर्न पर यूनिट लेंथ, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासेस फ्रॉम द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। चौथी बात जो हम जानना चाह रहे हैं वह मैग्नेटिक इंडक्शन, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के रूप में सोचते हैं, बी ये क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स number of magnetic field lines inside magnetic material inside magnetic material crossing per unit area crossing per unit area perpendicularly is called magnetic induction, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जब भी इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, अब उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मटेरियल में कितना इंडक्शन आ गया, कितना मैग्नेटाइज हो गया, इसका मेजरमेंट होता है। और यहाँ B इज इक्वल टू, बी से दिखाते हैं, बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम के रूप में समझ सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम। यहाँ कुछ ये क्लियर हो रही होंगी आपको, वेयर बी जीरो क्या होता है, यहाँ बी जीरो क्या है, दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, that is applied external magnetic field, ये applied external magnetic field है, and bm क्या है, यहाँ पर b zero तो apply किया था मैंने, bm क्या है, bm जो है ये that is the field contributed by core material, जो आपका material है उसके अंदर से कितना contribution हो रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि हम आपको जितना बता रहे हैं वो आपको आ रहा है, और प्लस आप भी तो कुछ सोच रहे हैं, आपके अंदर से भी कुछ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो कभी भी शिष्य जो होता है गुरु से आगे निकल जाता है, क्यों,
क्योंकि गुरु को जितना आता सब बता देना होता है, गुरु तो सब बता देता है जितना आता रहता है उसको, और शिष्य क्या करता है जितना आ रहा होता तो जान ही लेता है और इसके बाद खुद भी तो सोच लेता है। अगर वो सही डायरेक्शन में सोच रहा है तो गुरु जितना दे रहा है उससे ज्यादा उसको आ जाता है, इसीलिए गुरु गुड़ रह जाता है चेहरा शक्कर हो जाता है। समझ रहा हूँ इस बात, गुरु जितना आता बता दिया जितना एक्सटर्नल का सब दे दिया, अब आपने अगर सही डायरेक्शन में सोच दिया तो आपकी फील्ड हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर उल्टा सोच दिया तो आपका नॉलेज हमसे कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपके पास बी होना है, बी जीरो माने जो हम दे रहे हैं, बी एम माने जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बी एम क्या है, दैट इज मैटेरियलाइजेशन या फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय कोर मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय कोर मटेरियल जिसको मैटेराइज कर रहे हैं उसके अंदर से कितना कंट्रीब्यूशन होगा। हियर बी जीरो जो होता है न्यू जीरो एच होता है, एंड बीएम जो होता है न्यू जीरो आई होता है। सो दैट बी बिकम्स म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई या म्यू जीरो कॉमन ले लेंगे आई प्लस एच के फॉर्म में फॉर्मूला है। यहां पर ये याद दिलाना जरूरी है कि एच क्या है आई क्या है, एच क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैटेरियल, कितना मैटेरियल हो गया इस पर डिपेंड करता है। और क्योंकि बी है मैग्नेटिक फील्ड ही कितना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही है इसकी यूनिट टेस्ला है, इन एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। पांचवी प्रॉपर्टी को जानिए, चार जान गए आप, फिर दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और दिखाया किससे गया है, देखिए एक्स जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा दैट इज जाई, जैसे बीटा अल्फा थीटा वैसे ही ये भी लैटिन वर्ड है साई है ना, ऐसे लिखा जाता है नहीं साई, ये जाइम जाई सफिक्स में एम, एम फॉर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम ये क्या होता है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, इसको हम लोग सीखने चल रहे हैं कि हाउ टू इंडिकेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई सिखाते हैं, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी माने एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी called magnetic susceptibility of magnetic material, xi m is defined as
आई बाई एच मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज कि आई की यूनिट मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है और एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है, और इन दोनों का रेशियो है, ये सेम यूनिट की चीजों का रेशियो है, इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है, एक ये। और किसी भी चीज को आप जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो ज्यादा जरूरी है, साथ साथ समझना बहुत जरूरी है, क्या समझ में क्या आना चाहिए। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ससेप्टिबिलिटी माने एक्सेप्टेबिलिटी, कितना कितना एक्सेप्ट कर रहा है कोई, कितना स्वीकार कर रहा है। आई का मतलब हो गया कितना मैग्नेटाइज हो गया, और अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब कितना फील्ड लगाया गया था। तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो और फील्ड कम लगाया जाए तो इसका मतलब वो ज्यादा ससेप्टिबल मटेरियल है, मतलब हम कम पढ़ाएं और आपको ज्यादा आ जाए इसका मतलब आप अच्छे क्वालिटी का मटेरियल है। मैग्नेटाइजेशन तगड़ा हो और फील्ड कम से कम लगानी पड़ रही हो, इंटेंसिटी कम से कम देनी पड़ रही हो, तो किसी मटेरियल में कितना ज्यादा बढ़िया मैग्नेटाइजेशन होने वाला है इस बात का जो पूरा पूरा अंदाजा देता है, इस बात का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपको, दैट इज द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वैसे तो जो आपका ये मैग्नेटाइजेशन था एम था, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है बात तो क्लियर है, लेकिन कितना मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, ना आप कितना सामान खरीद के लाएंगे ये एक बात है, कितना सामान बटे कितना रुपया ये दूसरी बात है, कम रुपए में ज्यादा माल ले आए इसका मतलब ज्यादा कलमल है, केवल ज्यादा ले आए तो ठीक अच्छी बात है ज्यादा ले आए, लेकिन कम रुपया भी लगाए ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी की बात है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होने वाला है, ये जो सही मेजरमेंट देता है ट्रू मेजरमेंट देता है वो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक जिसको आप व्यवहार में एक्सेप्टेबिलिटी समझते हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहा है मैग्नेटिज्म को, कितना कम मिलने पर कितना ज्यादा हो जा रहा है, ये आपका है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आईएएस बन गए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप गरीबी में आईएएस बन गए कम लेकर ज्यादा बन गए ये बहुत बड़ी बात है, ये ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। आप मेरे समझ से बात समझ में आ गई होगी आपको, बड़ा ही व्यवहारिक ढंग से मैंने इसको कह दिया। चलिए एक चीज बता दिया मैंने, समझा भी दिया आपको, डिफिनेशन को बता दिया मैंने, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और अब इसको हम यूनिट लिखते इन एसआई या सीरीज के बाद सीरीज में लिखिए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं हो, इसकी कोई यूनिट नहीं हो, ये बात आपके दिमाग में आ गया हो। अब पांच प्रॉपर्टी हो गई, छठी प्रॉपर्टी जो बोलने चल रहा हूं मैं आपसे, सिक्स प्रॉपर्टी मैग्नेटिक परमिबिलिटी हटिंग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी न्यू, आपने मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू जीरो सुना है, म्यू जीरो वैल्यू कितना होती है याद कीजिए, म्यू जीरो होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और आप किसी मटेरियल की वो वैक्यूम की थी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू जीरो, इसकी वैक्यूम की किसी मटेरियल की है तो म्यू, और रिलेटिव म्यू आर, that is mu upon mu zero, absolute permeability of medium to the absolute permeability of vacuum that is called relative permeability, ये कुछ वैसा ही है सुना सुना जैसा, जैसा electricity में आपने electric वाले में permittivity सुना था, permittivity ये क्या है permeability चीज एक ही है, वहां पर electric field की बात करते हैं आप तो permittivity epsilon, याद कीजिए आप क्लियर कर रहा हूं मैं, एप्सिलॉन किसी मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन जीरो
वैल्यू याद है किसी को एप्सिलॉन जीरो की? हाँ शाबाश, बताओ भाई कोई किसी को वैल्यू याद हो तो हाथ उठा लें, हैंड रेस करें, मैं मौका देता हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू, हाँ बताइए। हाँ चलिए भाई देखिए हम मौका देते हैं अब बोलने का, एक मित्र आपके हाथ उठाए हुए हैं। हाँ ऑन कर लीजिए माइक, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ माइक ऑन कर लीजिए, रुकिए एक सेकंड रुकिए। हाँ बोलिए बोलिए, माइक ऑन हो गया, माइक ऑन करो। माइक ऑन नहीं कर रहे, तैयार हो रहे हैं, माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्लियर कर देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इनटू 10 पावर माइनस 12 ना कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इन दोनों का जो रेशियो था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ साइलेंट आर, उसको हम लोगों ने के डायरेक्टली कांस्टेंट रूप में जाना था, याद होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिलेशन था 1/4πε0 फ्यूल Q2 बाय R स्क्वायर, एप्सिलॉन नीचे था, इसका मतलब जिस मीडियम का एप्सिलॉन ज्यादा होता है परमिटिविटी ज्यादा होती है वहां फोर्स कम हो जाता है, परमिशन कम होती है, परमिशन कम होती है, परमिटिविटी यानी परमिशन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिशन कम मिल रही, मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा परमिशन कम। मैग्नेटिज्म में बहुत उल्टा जैसा, मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला याद कीजिए, बता चुका हूं बी के लिए B=μ0/4πI आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू यहां ऊपर है, जिसकी परमिटिविटी परमेबिलिटी ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अंदाजा दोनों ही फील्ड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन परमिटिविटी ज्यादा होने पर फील्ड कम हो जाती है और परमेबिलिटी ज्यादा होने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती है, मतलब संख्यात्मक रूप से काम दोनों एक ही कर रहे हैं, वो भी फील्ड के बारे में बताता है, ये भी फील्ड के बारे में बताता है, लेकिन क्योंकि वो रिसिप्रोकल में है तो वहां ज्यादा वैल्यू होने पर फील्ड कम हो जाती है, यहां ज्यादा वैल्यू होने पर फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद है परमिटिविटी का सेंस समझ में आ गया होगा, कितनी परमिशन मिलने वाली है उस मीडियम में इसको मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आइए मैग्नेटिक परमिटिविटी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी फील्ड प्रोड्यूस हो गई, बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच is called, that is known as magnetic permeability mu of magnetic material. देख रहे होंगे म्यू क्या होता है, बी बाई एच मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये आपका एच हो जाता है। यहां भी आप इसी को देख रहे होंगे बी जीरो बाई म्यू जीरो दैट इज एच, तो बी जीरो बाई एच दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए म्यू जीरो इज इक्वल टू बी जीरो बाई एच, किसी मीडियम के लिए म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच माने मीडियम, बी जीरो बाई एच वैक्यूम, ध्यान में आ गया होगा ये म्यू है ये म्यू जीरो है, यहां भी सेंस आना चाहिए आपको। तो परमेबिलिटी मैंने समझ में आ गया, और किसी मीडियम की परमेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वह मीडियम ज्यादा मैग्नेटाइज होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का असर वहां स्ट्रांग दिखाई पड़ने वाला है।
और अगर कहीं परमिटिविटी की बात की जा रही है, परमिटिविटी वाले इलेक्ट्रिसिटी से बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हो रही है, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है वहां पर फील्ड कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा जी, आइए यूनिट देखा जाए। इन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। कई बार यूज भी कर चुके हैं, म्यू जीरो की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर होता है। इस बात को हम कई बार यूज भी कर चुके हैं। ध्यान में आ गया होगा आपको, ये छह प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझना है। इनकी डिफिनेशन अलग अलग पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। इसको हम आपके इस नोट्स को आपके ग्रुप में मैं SMS कर दे रहा हूँ या मैसेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग वहां से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, इसको लोड कर दिया जाएगा और अपने कमेंट करिएगा।